दोस्तों, क्या जेल का नाम सुनते ही आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं? वैसे ये नाम सुनकर तो अच्छे अच्छों को सांप सूंघ जाता है, और हो भी क्यों ना, जेलों की छवि कुछ ऐसी है जहां कैदियों से जबरदस्ती और क्षमता से ज्यादा काम कराया जाता है। मारपीट और गाली गलौज तो आम बात है, खाना भी अच्छा नहीं मिलता, केवल जीने के लिए खाना दिया जाता है। इन तमाम बातों ने जेल की छवि कुछ ऐसी बना रखी है। लेकिन आज जिन जेलों की बात हम करने जा रहे हैं, उनके बारे में सुनकर एक बार आपका भी मन वहां विजिट करने के लिए जरूर करेगा। अरे भाई, एक कैदी के रूप में ना सही, एक विजिटर के रूप में तो जरूर जा सकते हो यदि मौका मिले तो। दुनिया के टॉप मोस्ट जेलों को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं जेलों की सैर पर एक विजिटर के रूप में। नंबर एक, पेंसिफोला फेडरल प्रिजन कैंप, फ्लोरिडा, यूएसए। अमेरिका की खूबसूरत जेल है जिसके बाहर एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें कैदी ही काम करते हैं। यहाँ कैदियों के खेलकूद और मनोरंजन की भी भरपूर व्यवस्था है। फुटबॉल मैच खेला जाता है और वीकेंड पर मूवी के शोज भी होते हैं। यहाँ आने वाले हर कैदी को परमानेंट जॉब भी दी जाती है, यानी एक बार अगर आप इस जेल में आ गए तो फिर आपकी नौकरी पक्की। हालांकि यहाँ आने वाला हर कैदी जल्दी बदल जाता है। नंबर दो, अगली जेल का सफर खान पान के शौकीन के लिए। ये जेल है इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर की एक मजेस्टी प्रिजन फॉरेस्ट बैंक आने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कैदियों के खाने के लिए 100 प्रकार से अधिक के भोजन पकाए जाते हैं। एक सर्वे में ये पाया गया कि यहाँ के कैदी जो भोजन करते हैं वो मैनचेस्टर के आम लोग भी नहीं करते। कुल मिलाकर यहाँ के प्रिजनर्स के लिए क्वालिटी ऑफ फूड्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर तीन, एंडरसन काउंटी जेल, टेनेसी, यूएसए। अमेरिका की एक और बेहतरीन जेल। इसे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी हॉस्टल में आ गए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े हॉल है जिनमें सभी कैदी एक साथ अपने अपने बेड पर सोते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह डबल फ्लोर बेड पर कैदी सो रहे हैं। यहाँ एक बड़ा सा गार्डन है जहाँ कैदी काम करते हैं, उनके आराम और खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। नंबर चार, फेडरल मेडिकल सेंटर, डिवेंस, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, यूएसए। अमेरिका की ये जेल मुख्य रूप से मानसिक रोगियों के लिए बनी है। वो लोग जिन्हें मानसिक बीमारी है, दिमागी दौरे आते हैं, उन्हें यहाँ लाया जाता है। ये जेल चारों तरफ फूलों के गार्डन से घिरी हुई है। यहाँ काम करने वाले सभी स्टाफ मेंबर बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट नेचर के होते हैं। इस जेल में कोई दरवाजा नहीं है और यहाँ रहने वाले सभी कैदियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। नंबर पांच, जेसफ करेक्शनल इंस्टीट्यूट, मैरीलैंड, यूएसए। अमेरिका की ये जेल जेल कम स्कूल ज्यादा दिखती है, क्योंकि यहाँ आने वाले हर कैदी को स्किलफुल बनाने के लिए यहाँ का अथॉरिटी मैनेजमेंट और स्टाफ पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर हर हफ्ते कोई ना कोई टीचर आता है जो ट्रेन्ड और स्किलफुल होता है। कैदियों के उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम सिखाए जाते हैं ताकि वो बाहर निकलकर एक अच्छे शहरी की तरह रह सके। नंबर छह, अमेरिका की एक और खूबसूरत जेल, डबलिन सेंट्रल करप्शनल इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया, यूएसए। अमेरिका की एक खूबसूरत जेल जो 16 पैनल में बनी हुई है। इस जेल में तैराकी के शौकीन कैदियों के लिए स्विमिंग पूल है, और वो कैदी जो अपने आप को फिट रहने में यकीन करते हैं उनके लिए जिम की फैसिलिटीज भी है। यहाँ हर फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है, और दोस्तों आपको पता ही होगा कि फेस्टिवल की धूम मेंटल स्ट्रेस को कम करने का काम करती है, क्योंकि फेस्टिवल के मौके पर धूम मचाने वाला अपनी मस्ती में होता है और अपनी मस्ती को देखने वाला भी मस्त होता है। यहाँ कैदियों को बाहर जाकर काम करने की इजाजत दे दी गई है। नंबर सात, चलिए चलते हैं नॉर्वे के एक जेल के सफर पर, हेडियन, नॉर्वे। इस जेल में कैदियों को वो सारी फैसिलिटीज मिली हुई है जो एक व्यक्ति अपने घर में अरेंज करता है, यानी खूबसूरत सोफा सेट, फ्रिज, फुली फर्निश्ड और लग्जरी रूम। कुल मिलाकर यहाँ रहने के कैदियों की ऐश ही ऐश है। यहाँ कैदियों को देखकर ये समझना मुश्किल है कि ये अपनी सजा काट रहे हैं फिर मौज मना रहे हैं। इस जेल के गार्ड भी अपने साथ बंदूक नहीं रखते। नंबर आठ, ओटागो करेक्शन फैसिलिटी, मिल्टन, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जेल में भी कैदियों के लिए लग्जूरियस लाइफस्टाइल से रिलेटेड हर चीज मौजूद रहती है, जैसे टीवी, फ्रिज, सोफा सेट, लग्जरी बेड वगैरह वगैरह। और साफ सफाई के तो क्या कहने, यहाँ की साफ सफाई देखकर लगता है कि हर जगह स्वच्छता अभियान का बोलबाला है। कैदियों के खेलकूद और मनोरंजन का भी जबरदस्त इंतजाम रहता है। रग्बी खेल के शौकीनों के लिए रग्बी कोर्ट भी बना हुआ है। नंबर नौ, सुमोलिना प्रिजन, हेलसिंकी, फिनलैंड। इस जेल में कैदी ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे वो अपने घर में रहते हैं, यानी सुबह काम पर जाते हैं और शाम को जेल में वापस आ जाते हैं। अपने रूम में खाना बनाते हैं और खाकर सो जाते हैं। खास बात यह है कि इस जेल की गेट पर कोई दरवाजा ही नहीं है। नंबर 10,
अब जिस जेल की बात हम आपसे करने जा रहे हैं वहां पर अमेरिका के व्हाइट कॉलर प्रिजनर्स को रखा जाता है। उन्हें कोई तकलीफ ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से बटनर फेडरल करप्शनल इंस्टीट्यूट के नाम से मशहूर इस जेल में जबरदस्त फैसिलिटी है। जिंदगी में ऐशो आराम की हर चीज और सुविधा मौजूद रहती है। कुल मिलाकर यहाँ आने वाला हर कैदी लग्जरियस लाइफस्टाइल को यहाँ बिल्कुल भी मिस नहीं करता। दोस्तों, कैसी लगी ये जेलों की जर्नी और आपको इनमें से कौन सी जेल सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप दुनिया की दूसरी अन्य जेलों से जुड़ी जानकारी के वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 भी लिख देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।